नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 24 घंटे के भीतर भागलपुर पुलिस ने हत्या के आरोपियों को किया गिरफ्तार, खून से सना कपड़ा और चाकू किया बरामद। सावन के अंतिम सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ा शिव भक्तों का जन सैलाब, भगवान शिव के जयकारे से गूंजता रहा मंदिर परिसर। 2 साल बाद मुहर्रम पर निकाला गया अखाड़ा जुलूस, पारंपरिक हथियारों से युवाओं ने दिखाए कर्तव्य। टीएमयू के नए रजिस्ट्रार ने संभाला कार्यभार, कर्मचारियों के साथ की बैठक, कहा समय पर आए कार्यालय, कार्य संस्कृति में लाए बदलाव। और शादी के 3 महीने के भीतर दहेज लोपियों ने की बहू की हत्या, मायके वालों ने न्याय की लगाई गुहार। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के सिटी एसपी सोनू प्रभात ने सोमवार को अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रविवार को ही एक व्यक्ति मोहम्मद परवेज की चाकू मारकर हत्या के मामले का खुलासा करते हुए घटना में शामिल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जानकारी दी। सिटी एसपी ने कहा कि लोदीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जगतपुर निवासी 23 वर्षीय युवक मोहम्मद परवेज की हत्या का आरोप परिजनों ने मोहम्मद राजा पर लगाया था, जिसके बाद डीएसपी विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी और मामले की जांच के लिए छापेमारी शुरू की गई। उन्होंने बताया कि छापेमारी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के 24 घंटे के अंदर ही हत्या की वारदात में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि मामले में पुलिस ने लोदीपुर थाना अंतर्गत जगतपुर निवासी नामजद आरोपी मोहम्मद राजा और उसके पिता मोहम्मद नौशाद समेत एक महिला आरोपी बेबी शकीला को गिरफ्तार किया। साथ ही सिटी एसपी ने कहा कि मोहम्मद राजा के पास से घटना में उपयोग किया गया चाकू और घटना के वक्त पहने हुए खून से सने कमीज को बरामद किया गया है, जबकि उसने घटना को अंजाम देने की बात भी पुलिस को दिए गए बयान में स्वीकार की है। इसके अलावा सिटी एसपी सोन प्रभात ने छापेमारी टीम में शामिल लोदीपुर पुलिस के सभी अधिकारी और जवानों को पुरस्कृत करने की बात कही। कल 9:40 में लोदीपुर थाना को सूचना मिली कि गांव जगतपुर वहां पर एक मोहम्मद परवेज हैं, उनकी हत्या कर दी गई है। तत्काल पुलिस की टीम पहुंची, वहां पर एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर भी पहुंचे और देखे कि एक मोहम्मद परवेज जिनकी हत्या कर दी गई है और 3 लोगों का नाम सामने आ रहा है। पुलिस ने तत्काल एक टीम का गठन किया और छापेमारी की और उसमें जो मुख्य अभियुक्त मोहम्मद राजा जिसकी संलिप्तता आ रही थी उसको गिरफ्तार किया गया और जिस चाकू का प्रयोग किया गया था हत्या के लिए उसको भी बरामद कर लिया गया है और इसके जो कपड़े जिसको पहन के इसने हत्या की थी उसको भी बरामद किया गया है और उसमें भी खून के धब्बे मिले हैं, चाकू पे भी मिला है और इसको FSL भेजा जा रहा है आगे की कार्रवाई के लिए। और साथ ही पूछताछ में पता चला कि इनके जो माता पिता हैं वो भी इस हत्या में संलिप्त पाए गए हैं और पहले भी इन दोनों के बीच में काफी बार छोटी मोटी लड़ाई झगड़े और इस तरह की घटनाएं होती रहती थी। श्रावण मास की अंतिम सोमवारी के अवसर पर आज सुबह से ही भागलपुर के बाबा बृहदेश्वर नाथ और शिव शक्ति मंदिर समेत तमाम शिवालय और मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती रही और यह सिलसिला तेज धूप और दिन चढ़ने के साथ भी जारी रहा। पहले सुबह से ही शिव भक्त मंदिर पहुँचने लगे, जहाँ भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक कर माँ पार्वती और अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना की। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बाबा भोलेनाथ समेत आदि महादेव और जय महाकाल के नारे से गूंजता रहा। एक ओर जहां देश भर में सनातन संस्कृति को मानने वाले सभी भक्तों ने अलग अलग शिवालयों एवं मंदिरों में भगवान त्रिलोकीनाथ को जलाभिषेक कर पूरे भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हुए महादेव का जयकारा लगाया और मन्नत भी मांगी, वहीं सावन की चौथी और अंतिम सोमवारी को लेकर शिव भक्तों की अत्यधिक भीड़ की संभावनाओं को देखते हुए हमेशा की तरह जिला प्रशासन के निर्देश पर मंदिर प्रबंधन और पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई थी। इस दौरान पुलिस और मंदिर के वॉलेंटियर की सक्रियता और सहयोग से पुरुष और महिला श्रद्धालुओं को गर्भगृह तक अलग अलग द्वार से प्रवेश किया गया, जहां कतारबद्ध होकर भक्तों ने महादेव का दर्शन और जलाभिषेक कर बेलपत्र और पुष्प अर्पित किया। इसको लेकर बूढ़ानाथ स्थित बाबा बृहदेश्वर नाथ मंदिर के प्रबंधक वाल्मीकि सिंह ने कहा कि सावन की अंतिम सोमवारी को लेकर अन्य दिनों
से अधिक श्रद्धालुओं के साथ कांवरिया का जत्था सुबह से ही मंदिर पहुंचता रहा, जबकि भागलपुर प्रशासन और जोगसर थाना के सहयोग से मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालुओं को कतारबद्ध कर पूजा संपन्न कराया। उन्होंने बताया कि मंदिर प्रांगण और आसपास में हर तरह की गतिविधि पर सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। जोगसर थाना प्रभारी अजय कुमार अजनबी की मौजूदगी में पुरुष और महिला पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके अलावा भागलपुर जिले के तमाम शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के मंदिरों में भी शिव भक्तों ने पूजा अर्चना की, साथ ही काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ और मां पार्वती की पूजा कर उपवास भी रखा। यहां बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में आज काफी श्रद्धालुओं की भीड़ है और पूरा श्रद्धालु पंक्तिबद्ध होकर के महिला के लिए अलग व्यवस्था की गई है, अलग पंक्ति में जो पूजा और पुरुष का अलग पंक्ति में पूजा हो रही है, खूब अच्छे तरीके से पूजा हो रही है। सुरक्षा का बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है। आदमपुर थानाध्यक्ष महोदय के द्वारा, श्री अजय अजनबी जी के द्वारा चारों सोमवारी में पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो कि अच्छी व्यवस्था की गई, जो कि काफ़ी सराहनीय है और एक भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत मंदिर प्रशासन को, किसी भक्तों को नहीं हुआ। सावन की अंतिम सोमवारी पर हम भागलपुर के विभिन्न शिवालयों से आपको महादेव की पूजा जलाभिषेक का दृश्य दिखा रहे हैं, और इसके साथ ही आपने देखा कि तमाम मंदिरों में, तमाम शिवालयों में सुबह से ही लगातार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी रही, और सावन की अंतिम सोमवारी को लेकर खासा उत्साह और भीड़ देखने को तमाम शिवालयों में मिली। तो आपने ये तमाम दृश्य देखा, कोरोना काल के बाद पिछले दो वर्षों के बाद इस बार विशेष उत्साह देखा जा रहा है इस बार की सोमवारी को लेकर के, इस बार के श्रावणी मेला को लेकर के। तो आपने देखा इसी के साथ, कैमरा पर्सन सुमित कुमार के साथ रविशंकर सिन्हा, सिल टीवी भागलपुर। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में सावन की अंतिम सोमवारी को लेकर लाखों शिव भक्त उत्तरवाहिनी गंगा तट पहुंचे, जहां श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर बाबा अजगैबीनाथ को जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। सुबह से ही शिव भक्तों के बोलबम और बाबा भोलेनाथ का जयकारों के बीच उत्तरवाहिनी गंगा तट और शिवालय भगवान शिव और सावन के रंग में रंगा दिखा। इस दौरान बिहार झारखंड के विभिन्न जिलों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ की पूजा कर अपनी मन्नत मांगी, जबकि अत्यधिक भीड़ के कारण स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा मंदिरों में कांवरियों एवं शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की गई थी, लेकिन भक्तों के हुजूम और उत्साह के सामने पुलिस बेबस नजर आ रही थी। इधर थानाध्यक्ष लाल बहादुर ने सभी पुलिस कर्मियों को हिदायत देते हुए शिव भक्तों को पूजा अर्चना करने में कोई परेशानी नहीं हो इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा हजारों कांवरिया सावन की सोमवारी पर गंगा जल लेकर देवघर वैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। वहीं पिपैती के मनोकामना नाथ मंदिर और जंगली नाथ मंदिर सहित अन्य शिवालयों में सावन की सोमवारी पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ा, जहां शिव भक्तों ने पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भोलेनाथ से मन्नत मांगी और पूरा मंदिर परिसर शिव के भक्तों में रमा दिखा। मुहर्रम की 9वीं तारीख पर भागलपुर सराय किला घाट इमामबाड़ा में फातिहा खानी कराने के लिए सोमवार को विभिन्न मोहल्ले से दर्जनों अखाड़ा जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर ताजिया, निशान, सिपर और थर्मोकोल की बनी कई तरह की झांकियों का प्रदर्शन किया गया। वहीं युवा ढोल, तासे, बाजे एवं मुहर्रमी धुन पर पारंपरिक हथियार के साथ करतब दिखाते नजर आए। चौक चौराहे पर अखाड़ा देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी पड़ी। इस दौरान सेंट्रल मुहर्रम कमेटी और शांति समिति के सदस्यों ने प्रशासन का सहयोग करते दिखे, साथ ही अखाड़ा जुलूस में शामिल लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। सुबह 9 बजे से ही शहर के तमाम अखाड़ा जुलूस फातिहा खानी के लिए शहर के विभिन्न मार्गों से होकर सराय किला घाट स्थित इमामबाड़ा पहुंचते रहे, जबकि अखाड़ा जुलूस में शामिल युवाओं की टोली पारंपरिक हथियारों से लैस होकर तलवारबाजी, लाठी, फरसा और सिपल से करतब दिखा रहे थे। वहीं जुलूस में लहराया जा रहा राष्ट्रीय ध्वज देश प्रेम को दर्शा रहा था। इधर सराय स्थित हजरत लाल खां दरगाह के पास लगे मंच से जुलूस में शामिल लोगों और गुजर रहे सभी अखाड़ों का इस्तकबाल किया गया। गौरतलब हो कि आज रात 1:35 में सभी पैकर मियां साहब मैदान से फूल लेकर कोतवाली इमामबाड़ा जाएंगे। इसके बाद 2:35 में कोतवाली से सराय और फिर सराय किला घाट से पैकर 3:35 में फूल लेकर रेकाबगंज होते हुए शाहजंगी जाएंगे। इस दौरान हजारों की संख्या में पैकरों की भीड़ रहती है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं मुहर्रम की 9वीं पर निकाले गए अखाड़ों की कुछ झलकियां।
मुहर्रम माह में तमाम अनाजों को मिलाकर खिचड़ा बनाकर बांटने का रिवाज है। बताया जाता है कि खिचड़ा पकाने का सिलसिला हजारों साल पहले शुरू हुआ था, जो आज भी बदस्तूर जारी है। यह दुनिया के तमाम मुल्कों में पकाया जाता है, लेकिन भारत और खासकर भागलपुर में बनाया जाने वाला खिचड़ा कुछ हटकर है। वहीं मुहर्रम की नौवीं पर भिकनपुर गुमटी नंबर 2 स्थित इमामबाड़ा पर खिचड़ा बनाकर लोगों के बीच बांटा गया। कमेटी के सदर मोहम्मद मकसूद अख्तर और सचिव मनीर सिद्दीकी ने बताया कि न्यास फातिहा कराने के बाद शरबत और खिचड़ा का वितरण किया गया। इसके पूर्व लोगों ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए विश्व में अमन चैन की दुआ मांगी। इस अवसर पर तारिक अख्तर समेत कई लोग मौजूद थे। मुहर्रम पर भागलपुर में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से अपील भी की जा रही है। भागलपुर सिटी एसपी शरण प्रभात ने बताया कि जिले के संवेदनशील जगहों पर पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के अवसर पर शांति व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सिटी एसपी ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। मुहर्रम को लेकर सारी तैयारी कर ली गई है और जैसा आपको ज्ञात है कि 6 तारीख से ही मुहर्रम का कार्यक्रम भागलपुर में शुरू हो चुका है और 6 तारीख का कार्यक्रम भी बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से समापन हो गया। कल 7 तारीख का कार्यक्रम भी शांतिपूर्ण तरीके से समापन हो गया, चौकी लाने और ले जाने का जो कार्यक्रम होता है। और आज भी जो अखाड़े इमामबाड़ा में जाएंगे सराय किला घाट में और वहाँ से वापस लौटेंगे, तो उसको भी पूरी पुलिस की देख रेख और निगरानी में करवाया जा रहा है। और आज रात का जो कार्यक्रम है और जो लगातार 10 को ख़त्म होगा सुबह में, उसके लिए भारी मात्रा में पुलिस फोर्स का डिप्यूटेशन किया गया है। रैफ की एक कंपनी आ गई है जिसमें करीब 120 लोग होते हैं और उनको भी दो भाग में बांटकर हम लोग जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उसमें उनको लगातार भ्रमणशील रखेंगे। राजभवन से नियुक्त तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार ने सोमवार को अपना कार्यभार संभाल लिया। डॉक्टर गिरिजेश नंदन पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय अंतर्गत JNL कॉलेज खगौल पटना में अंग्रेजी के शिक्षक हैं। बता दें कि राजभवन ने 5 अगस्त को TMU के रजिस्ट्रार के पद पर उनकी नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी की थी। राजभवन से अधिसूचना जारी होने के बाद कुलपति के समक्ष उन्होंने रजिस्ट्रार के पद पर योगदान दिया था। उन्होंने बताया कि उनके बड़े भाई ने TMU से ही PG किया था, इसलिए उनका इस विश्वविद्यालय से आत्मीय जुड़ाव है। वहीं नवनियुक्त रजिस्ट्रार के विश्वविद्यालय पहुंचने पर PRO डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने उन्हें रिसीव किया और कार्यालय ले गए। इसके बाद नवनियुक्त कुल सचिव ने प्रतिकुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार से उनके कार्यालय में जाकर शिष्टाचार मुलाकात की। स्वागत के बाद रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार ने सिंडिकेट हॉल में विश्वविद्यालय के प्रशाखा पदाधिकारियों और कर्मचारियों से मिलकर उनका परिचय प्राप्त किया, साथ ही उनके कार्यों की जानकारी भी ली। कुलसचिव ने कहा कि वे विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हर संभव जरूरी पहल करेंगे। इसके लिए वे तत्पर और कटिबद्ध हैं। विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मियों के समन्वय, सहयोग और समेकित प्रयास से विश्वविद्यालय की समस्याओं का निराकरण करेंगे। उन्होंने कहा कि कर्मचारी विश्वविद्यालय के रीढ़ होते हैं, उनके बल पर ही विश्वविद्यालय के कार्यों की गति दी जा सकती है। रजिस्ट्रार ने कहा कि मौजूदा समय में शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों की सेवा संपुष्टि के मामले को प्राथमिकता के तौर पर निष्पादन करेंगे, क्योंकि यह एम्प्लॉय का हक है और अधिकार है, इससे उन्हें वंचित नहीं रखा जा सकता है। डॉक्टर गिरिजेश ने सभी पेंडिंग कार्यों को तत्परता के साथ पूरा करने की बात कही। पेंशनधारियों, कर्मियों और छात्रों की समस्याओं के समाधान की दिशा में भी सार्थक और ठोस पहल करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि अब कोई भी कार्य पेंडिंग नहीं रहेगा और समय पर कार्यों का निष्पादन होगा। बैठक के दौरान कुल सचिव ने बताया कि वे विश्वविद्यालय के विभागों का समय समय पर औचक निरीक्षण भी करेंगे। कार्यों के सहसमय निष्पादन में लापरवाही और कोताही नहीं चलेगी, साथ ही सभी सेक्शन के कार्यों की मॉनिटरिंग की जाएगी। रजिस्ट्रार ने कहा कि समय पर कर्मी कार्यालय आएं और कार्यों का निपटारा करें। बेहतर कार्य करने वाले कर्मियों को रजिस्ट्रार ने प्रोत्साहित करने की बात कही। उन्होंने जानकारी दी कि उनकी प्राथमिकता विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाना है। टीम भावना और सामूहिक प्रयास से कार्य किए जाएंगे। कुलसचिव डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार ने कहा कि सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों को समय पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में पहल की जाएगी। रिटायरमेंट के बाद उन्हें विश्वविद्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। विश्वविद्यालय में पदभार संभालने के बाद मेरी प्राथमिकता पहले तो ये है कि अभी जो हमारे सामने जो समस्या आई, शिक्षक धरना पर बैठे हुए हैं और अभी जो हम मीटिंग किए यहाँ पे ऑफिशियल के साथ, तो जो फिक्सेशन का है या प्रमोशन का है
तो हम उस समस्या को पहले दूर कर रहे हैं। स्टूडेंट यूनियन की समस्या को या जो विद्यार्थी से संबंधित जो होगा तो हम उसको प्राथमिकता के आधार पर दूर करेंगे। अभी हमारे सामने ज्वलंत उदाहरण ये है कि हम लोगों का फिक्सेशन जो हमारे माने टीचिंग का कन्फर्मेशन अभी तक नहीं हुआ है। हम उसको प्राथमिकता के आधार पर ये काम करवा करके और हम उसको आगे प्रेषित करने का काम करेंगे। जो अभी ज्वलंत मुद्दा हमारे सामने यही है कि हमारे कर्मचारियों का, हमारे शिक्षक भाइयों का अभी तक जो है फिक्सेशन या कन्फर्मेशन नहीं हुआ है। सरकार के तमाम प्रयासों और सामाजिक जागरूकता के बावजूद दहेज लोभियों द्वारा बेटी को बलि वेदी पर चढ़ाने का सिलसिला लगातार जारी है। अक्सर कहीं न कहीं से इस तरह की खबर सामने आती रहती है, जिसके बाद सरकारी सिस्टम और पुलिस पीड़ित परिवार की गुहार पर कार्रवाई के नाम पर महज रश्म अदायगी कर अपना पल्ला झाड़ लेती है, जो प्रशासन और समाज के साथ परिवारों के अस्तित्व पर भी खतरा है। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं उस माता पिता और परिवार की जिसने अपनी लाडली की शादी के महज 60 दिनों के बाद ही उसे हमेशा के लिए खो दिया। घटना को लेकर भागलपुर नाथनगर के चंपानगर बाबू टोला निवासी पीड़ित पिता ऑटो चालक शंकर यादव ने कहा कि उन्होंने अपनी पुत्री माला कुमारी की शादी बीते 15 मई को झारखंड गोड्डा के मोतिया ओपी थाना क्षेत्र अमरा कॉलोनी निवासी सुनील यादव के पुत्र राजेश यादव से की थी, जिसमें उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार 2 लाख कैश समेत कई जेवर और सामान भी दिया था। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही बेटी के ससुराल वाले दहेज लोभियों ने उनसे 5 लाख रुपए और बाइक की मांग शुरू कर दी और दहेज का पैसा नहीं देने के कारण उनकी पुत्री की हत्या उसके ससुराल वालों ने कर दी। वह मृतिका के भाई अमलेश कुमार का कहना है कि बीते 5 अगस्त को उन लोगों को किसी दूसरे व्यक्ति से सूचना मिली कि उनकी बहन माला कुमारी ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली है। उन्होंने बताया कि जानकारी मिलते ही वे सभी जब कोटा स्थित अमरा कॉलोनी पहुंचे तो देखा कि माला का शव जमीन पर पड़ा हुआ था। इधर पीड़ित परिवार ने गोड्डा के मोतिया थाने में घटना की प्राथमिकी दर्ज कराकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन अब तक घटना के आरोपी माला के सास, ससुर, ननद और मौसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। वहीं गोड्डा पुलिस से उचित सहयोग नहीं मिलने के बाद पीड़ित परिवार ने अब भागलपुर DIG को आवेदन देकर बेटी को इंसाफ दिलाने और उसके हत्यारों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए गुहार लगाने की बात कही है। मेरी बहन का शादी 15 मई को हुआ था, अमड़ा कॉलोनी गांव है गोड्डा में, जो कि पति का नाम है राजेश यादव, उसका पिता का नाम है सुनील यादव। तो एक महीना पे जैसे शादी होने के बाद, एक महीना के बाद वो डिमांड करने लगा कि हमको 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया ऐसे चाहिए, नहीं तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग तो इस बात को गौर नहीं किए कि ये क्या करेगा नहीं करेगा, तो फिर ये कर दिया, ऐसा कांड कर दिया। थाना में केस किए तो थाना में मोतिया थाना पड़ता है उसका, मोतिया थाना में केस करने के बाद वो उसको सिर्फ ले करके गए, उसके बाद उसका कोई कार्रवाई नहीं किया है। जैसे कि सब मिल करके मारा, उसकी बहन मारा है, उसकी माँ मारी है और वो उसका बाप है, वो सब फरार है, उस सब को किसी को अभी तक अरेस्ट नहीं किया है। मेरी बेटी जब मरे हमको इंसाफ चाहिए। कौन मारा थी बेटी? राजेश ने मारा। कौन है राजेश? राजेश उसका पति है। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क TV। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। Thank you.
आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। एनडीए में आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद खींचतान मचा हुआ है। इस बीच बीजेपी नेताओं को विश्वास है कि एनडीए सरकार कार्यकाल पूरा करेगी। दरअसल बाढ़ से भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार संकट में होने के सवाल पर कहा कि सीएम नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने भी आगामी लोकसभा कर बिहार विधानसभा चुनाव साथ लड़ने की बात कही है। विधायक ने कहा कि एनडीए आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ेगी। इसके अलावा बाढ़ के डाक बंगला में जनता दरबार में कार्यकर्ताओं को हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भी विधायक ने दिशा निर्देश जारी किया। विधायक ने बताया कि बाढ़ विधानसभा में हर घर तिरंगा 13 से 15 अगस्त तक लहराता हुआ नजर आएगा। साथ ही जदयू द्वारा पार्टी की बैठक बुलाने को लेकर उन्होंने कहा कि हर दल अपने सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाते हैं। मेरे को कहीं से नहीं लगता है सरकार पूरी तरह स्थिर है, 25 तक कहीं कोई एनडीए में फूट का सवाल पैदा नहीं होता है। और बैठक तो हो सकता है, पार्टी का इंटरनल मैटर भी दिख रहे हैं, जेडीयू का अपना इंटरनल मैटर भी जो आरसीपी सिंह के लेके चल रहा है, ऐसा मामला हो सकता है उस सब के कारण भी उसकी पार्टी की अपनी बैठक बुलाई हो आगे के रणनीति के लिए। और इस तरह से मेरी कल भी मुख्यमंत्री से मेरी फोन पर बातचीत हुई है, इस तरह से कहीं से कोई इस तरह का सब ये राजनीतिक बात भी हुई, कहीं से इस तरह का कोई ये नहीं है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री से पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह द्वारा पार्टी से इस्तीफा देने के बाद दिए गए बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोग बिहार में एक बार फिर से 2020 के चिराग पासवान मॉडल का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस षड्यंत्र को पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह का तन भले ही जनता दल यूनाइटेड में था, लेकिन उनका मन कहीं और था। बिना नाम लिए हुए इशारों में ललन सिंह ने बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। हालांकि जदयू में मचे इस तमाम उठापटक के बीच बीजेपी के नेताओं का कहना है कि बिहार में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और एनडीए गठबंधन में कोई अस्थिरता नहीं है। साथ ही भाजपा नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आरजेडी से अलग हुए थे और अब फिर से वे उनके साथ नहीं जा सकते हैं। लोकतंत्र में तो विधायक की बैठक बुलाना ही चाहिए। विधायक में बैठक बुलाएंगे तो क्या चरवाहा की बैठक बुलाएंगे? बैठक तो लोकतंत्र में बुलाना ही चाहिए। अभी हम लोगों के केंद्रीय नेतृत्व सांसदों का विधायकों का बैठक किया था, बैठक लिए, बैठक में निर्णय हुआ। तो अपना पार्टी का जो इंटरनल जो उनका विचारधारा है इम्पोज तो विधायकों पर सांसदों पर न करेंगे जो उनके विचारधारा को फैलाता है। ये कोई तो अच्छी बात है, लोकतंत्र का यही महत्वपूर्ण कड़ी है। बांका के धौरैया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कुर्मा मध्य विद्यालय परिसर में मुहर्रम को लेकर अंतर्राज्यीय बैठक का आयोजन बांका SDM डॉक्टर प्रीति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में SDM डॉक्टर प्रीति, SDPO DC श्रीवास्तव गोटा, SDPO आनंद मोहन सिंह समेत प्रखंड के प्रशासनिक पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान कुर्माशाही करवला में होने वाले पहलाम को लेकर विचार विमर्श किया गया, जबकि बैठक में SDO ने मुहर्रम के दौरान किसी भी तरह के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करने के साथ डीजे बजाने की अनुमति नहीं होने की बात कही। साथ ही कहा कि अखाड़ा और पहलाम के दौरान असामाजिक तत्वों पर प्रशासन की पैनी निगाह रहेगी और किसी भी तरह से व्यवधान या गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा वारदात की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील करते हुए SDPO ने सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का अफवाह नहीं फैलाने की बात कही। वहीं शाही करवला कमेटी बिहार एवं झारखंड के अध्यक्ष परवेश अख्तर ने प्रशासन को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 24 घंटे के भीतर भागलपुर पुलिस ने हत्या के आरोपियों को किया गिरफ्तार, खून से सना कपड़ा और चाकू किया बरामद।
सावन की अंतिम सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ा शिव भक्तों का जन सैलाब, भगवान शिव के जयकारे से गूंजता रहा मंदिर परिसर। दो साल बाद मुहर्रम पर निकाला गया अखाड़ा जुलूस, पारंपरिक हथियारों से युवाओं ने दिखाए कर्तव्य। टीएमयू के नए रजिस्ट्रार ने संभाला कार्यभार, कर्मचारियों के साथ की बैठक, कहा समय पर आए कार्यालय कार्य संस्कृति में लाए बदलाव। और शादी के 3 महीने के भीतर दहेज लोपियों ने की बहू की हत्या, मायके वालों ने न्याय की लगाई गुहार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।